हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। आज हम इस वीडियो में हम क्लास 11 की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एटम्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बाहु पढ़ा था, क्वांटम नंबर देखे थे, ठीक है, और क्या देखा था, प्लैंक क्वांटम थ्योरम। हमने बहुत सारे टॉपिक्स को क्या कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में हम क्वांटम नंबर्स के, मैं आपको एक टेबल बताऊंगी जिसके थ्रू आप लोगों को क्या है क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। चलो तो हम अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलो ठीक, ये अपन एक अबाउ वगैरह सब पढ़ लिए थे, ठीक है। अब देखते हैं कि अब आज हम क्या पढ़ेंगे। तो ये अबाहू के बारे में एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं। मैं क्या बताई थी कि अबाहू क्या करता है, अबाहू कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करते हैं, कैसे फील करते हैं, ठीक है, उनके उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी के बेस पे, इस कौन करता है ये सब अबाहू के थ्रू करते हैं। इसके बेस पे हम लोग बहुत सारे क्या देखे, सब सेल देखे थे जिसमें एस पी डी एफ। तो एस में क्या किया था हमने, एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन ऑर्बिटल होते हैं जिनमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये बताई थी मैंने। डी इलेक्ट्रॉन क्या बताई थी, डी इलेक्ट्रॉन में कितने, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ऑर्बिटल में बताई थी कि 5 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस तरह एफ का भी बताई थी। तो अपन ये सब क्या है, ये सब टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने क्या देखा था, ये सब किसके बेस पे आया है, ये सब हम किसके बेस पे लिए हैं, ये सब हम क्या बोलते हैं क्वांटम नंबर्स के बेस पे लिए हैं, ठीक है। अब आज हम अपन देखेंगे कि क्वांटम नंबर्स को अपन एक बार क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर लेते हैं, फिर उसी के बेस पे हम अब क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो देखो क्वांटम नंबर्स क्या होता है, मैं बताई हूँ क्वांटम नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं, ये भी बताई हूँ। तो अब क्या देखेंगे, आज हम उसी के बेस पे हम अपन क्या करें, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक टेबल बनाऊंगी जिसके थ्रू क्या करोगे आप लोग, उसके बेस पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि क्वांटम नंबर्स होता क्या है। तो ये मैं बताई हूँ कि नंबर ऑफ, ये क्या करते हैं, फोर्थ यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्या बताई हूँ कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। क्वांटम नंबर्स हमें क्या करते हैं, ये देखो क्वांटम नंबर्स में बता दूं इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये भी बता देती हूँ। तो पहले अपन देख लेते हैं कि क्वांटम नंबर्स को अपन क्या कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, कि क्वांटम नंबर्स होता क्या है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वांटम नंबर्स। तो चलो अब सब क्या करते हैं, एक बार अपन पढ़ते हैं। तो देखो ये क्वांटम नंबर्स क्या होता है, मैं बताई हूँ यहाँ पे लिख देती हूँ मैं क्वांटम नंबर्स, ठीक है। हमने इसको तो पढ़ चुका है, हमने पढ़ लिया है, बट इसको क्या करते हैं, एक बार इसको अपन रिकॉल करते हैं, ठीक है। तो ये देखो क्वांटम नंबर्स होता क्या है, ये बता दी मैं। क्वांटम नंबर्स बताई थी कि ये कितने फोर नंबर्स के सेट होते हैं जो ये डिफाइन करता है कि एटम्स में, मैं बताई हूँ एटम्स में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब ये एटम्स में इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन को कौन देता है, क्वांटम नंबर देता है, ये बता चुकी हूँ मैं। अब देखो इसके टाइप्स देखते हैं, इसके टाइप्स क्या बताई थी मैं, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है। तो क्वांटम नंबर कितने टाइप्स के होते हैं ये देख लेते हैं। तो देखो मैं बताई हूँ कितने टाइप्स के होते हैं, बताई हूँ एक होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ठीक है। एक होता है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है, ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और थर्ड होता है हमारा, क्या बताई थी थर्ड क्या होता है, थर्ड बताई थी मैं, ये हमारा बताई थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। और फोर्थ होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुका है, बट यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं जिसके बेस में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मैं बताई थी, क्या बताई थी, इसको स्मॉल एन से नोट करते हैं, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम एस से,
ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर को एस से ये हमने क्या कर लिया है, ये हमने अपना अपना डिटेल्स में अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुका है। ठीक है, तो ये देखो अब आगे हम लोग इसका क्या करते हैं, आगे हम इससे पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा हो गया क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स में बताई थी कि मैं इसको अरेंज कैसे करेंगे। ठीक है, ये मैं इसके लिए एक क्या बोलते हैं एक टेबल बनाई थी जिसके बेस पे आप लोगों को क्या करना सॉल्व करना। तो ये हमारा होता है सबसे पहले तो हमारा सबसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है, कितने हमारे कितने सेल होते हैं, तो ये क्या था, ये हमारा सब सेल है। ठीक है, ये हमारा क्या है सब सेल है। यहाँ पे अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये हमारा सेल क्या क्या देखे थे हम, के एल एम और एन, ये हमारा क्या होता है सब सेल है। ये देखे थे हम एटम में। ठीक है, क्या देखे थे सब सेल देखे थे। अब देखो ये जो के एल एम होता है, ठीक है, इसमें मैं बताई हूँ कि सब सेल हमें क्या क्या सब सेल होता है हमारे पास रहता है, एस पी डी एन एफ, क्या क्या सब सेल है, ये हमारा सेल है ना, ये हमारा सेल है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सब सेल। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, ये हमारा सेल है, इसमें हम लोग निकालेंगे एन एल, ये कैपिटल एल लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, हम निकालेंगे यहाँ पे ये एल, ये हमारा मैग्नेटिक और ये एस। ठीक है, क्या है? मैं बताई थी के एन एल एम एस, ये निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखो हम क्या करते हैं इसको अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया, ये देखो अब इसके बाद हम क्या करते हैं टेबल बनाते हैं। टेबल में ये हमारा क्या है, ये हमारा एन एल एम एस है, ये सेल है। ठीक है, या इतने टाइम से मैं बताई थी ये क्या था हमारा के एन एल एम, ये हमारा हो गया। अब एन एल एम हम लोग निकालेंगे, तो ये हमारा बता देती हूँ एस में, एस में एन का क्या होता है वन होता है। ठीक है, पी में क्या होता है टू, और डी में क्या होता है एन का वैल्यू थ्री, एंड फोर में एफ की वैल्यू होती है फोर। ठीक है, अब यही अपन ये एल क्या है, एन यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हम लोग क्वांटम नंबर्स को इसमें डिफाइन किए हैं, तो यहाँ पे होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एल क्या है यहाँ पे, एल क्या है यहाँ पे, यहाँ पे है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एम क्या है हमारे यहाँ पे, ये एम है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एस क्या है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर किसको बोलते हैं ये बताई थी, जो क्या करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के जो फील करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्लॉकवाइज होता है उसको बोल हम लोग प्लस वन बाई टू से डिनोट करते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको माइनस से, ये बताई थी मैं। अब देखो एल में हमारी एस की वैल्यू होती है जीरो, क्या होती है जीरो, पी में क्या होती है, पी में एल की वैल्यू होती है वन, और डी में क्या होती है, डी में होती है टू, एंड एफ में होती है थ्री। वहीं पे एम को देखें हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो यहाँ पे होता है जीरो। ठीक है, अब अगर हम पी में देखें एम की वैल्यू, तो पी में एम की वैल्यू होती है, इसमें थ्री ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, कितने ऑर्बिटल होते हैं ये थ्री, तो ये हमारा होता है, ये हमारा स्कूल माइनस वन। मैं बताई थी इसमें मैक्सिमम हम लोग जीरो से टू एन माइनस वन तक हम लोग क्या करते हैं इसकी पॉसिबिलिटी बताई थी मैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एम में, यहाँ ये हमारा माइनस वन हो गया, फिर जीरो, और ये हमारा होगा प्लस वन। वहीं डी में देखें तो डी में क्या होता है, डी में कितनी वैल्यूज होती है, वन टू ये थ्री, वन टू थ्री, ये वन टू थ्री फोर फाइव, ये फाइव हो गया। अब यहाँ पे देखें तो हम ये यहाँ पे होते हैं माइनस टू, फिर होता है माइनस वन, ये फिर होता है जीरो वन, फिर टू। ठीक है, वहीं
एफ में देखें तो एफ में मैं बताई थी एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं, सेवन होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1, 2, 3 और ये हो गया 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -3, -2 और यहाँ पे -1, -1 ना, यहाँ पे लिख देती हूँ -3, फिर -2, फिर -1, फिर ये 0 हो गया, फिर +1, फिर +2 एंड +3। ये क्या है हमारी एफ में। ठीक है, ये एफ की वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। अब एस का देखते हैं, तो एस में क्या होता है, एस में यहाँ पे देखो इसको प्लस एंड माइनस, ये 1/2 इसको प्लस एंड माइनस कर सकते हैं। अब देखो प्लस कहाँ पे होता है, यहाँ पे भी 0 में भी लिख सकते हैं हम +1/2, और यहाँ पे भी हम +1, +-1/2। ये क्या है, प्लस कहाँ पे होगा, जहाँ पे क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज। ठीक है, और माइनस एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो ये हमारा ये क्या है, क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज क्या, इसको माइनस में करेंगे। ठीक है, अब इसी के बेस पे अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अब सब आपको बोलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे मैं अब क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। ठीक है, तो देखो कोई बोले क्या, क्वेश्चन में बोलेगा आपको कि n की सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ यहाँ पे अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया है कि एन एटॉमिक, यहाँ पे लिख देती हूँ, क्वेश्चन है यहाँ पे एन एटॉमिक, क्वेश्चन देखना ना, एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑर्बिटल हैज एन एन इक्वल 3। क्या है, वॉट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम, वॉट एन इक्वल क्या है, 3 है, तो वॉट आर द पॉसिबल वैल्यू, किसकी पॉसिबल वैल्यू, ये हमारी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ऑफ एम, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है, ये बोल रहा है कि जहां पे n की वैल्यू 3 है वहां पे क्या निकालना है हमें, m की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू मतलब पॉसिबल ना क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो n की पॉसिबल वैल्यू हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं n की पॉसिबल वैल्यू क्या है, 3 है, तो हम क्या लिए थे यहाँ पे, m m माइन m का क्या होता है, एल माइनस 2 ये होता है। ठीक है, तो देखो 3 किस में दिया है ये देख लेते हैं अपन, 3 किस में दिया है, 3 एन की वैल्यू जहां किस में 3 है, किस में है एन की वैल्यू, 3 है। ठीक है, ये हमारा 3 है, इसमें देख लेते हैं यहाँ पे, तो एल की पॉसिबल वैल्यू क्या, सॉरी यहाँ पे एल है ना, ये एल है, ये एन नॉट एल, एल की वैल्यू 3 दी है, दिया है। ठीक है, तो उसकी पॉसिबल वैल्यू हमें देखना है, तो एल एम की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे ये देखो इसका ये फॉर्मूला होता है आप लोगों को पता, ये माइनस एल 2 2, ये हमारा +1। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या देखेंगे, ये इसके उसमें है, तो ये देखो ये हमारी m की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ये माइनस l कितना है, 3 है ना, ये देखो l 3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं l 3 2 + 3। ठीक है, ये हमारी m की पॉसिबल वैल्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m m स्क्वल -3 -2 और ये -1 और ये हमारा 0 हो जाएगा, ये है ना, एल की वैल्यू दी दिया हुआ है, तो हमें एम की वैल्यू निकालनी है,
तो एम के जस्ट बगल में क्या है, ये एम के, ये दोनों, ये यहाँ पैसे मैं बॉक्स टेबल बना देती हूँ ये, ठीक है। ये है हमारा, तो ये देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन माइन क्या दिया है, -3। तो यहाँ पे क्या होगा, 0, ये हमारा हो जाएगा +1, 3। यहाँ पे देखो +1, ये +2 एंड +3, ये हमारी क्या हो जाएगी, एल की, एल इक्वल 3 है तो ये हमारी एन की पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी। यहीं पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखो यहाँ पे हम देखते हैं, तो अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इक्वल क्वेश्चन है ना, एन इक्वल है 0 और एल इक्वल टू क्या है, ओ एम इक्वल 0 है एंड एस इक्वल क्या है, +1, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके, ये हमारा क्या है, ये सब पूरा चारों वैल्यू दी गई है हमें, ठीक है, गिवन है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें एन की वैल्यू, एल की वैल्यू, एम की वैल्यू एंड एस की वैल्यू दी गई है, ठीक है, गिवन है। तो हमें क्या है, ये कौन से सबसे से, ये कौन सा सबसे है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। तो देखो एन की वैल्यू जहाँ पे 0 है, देखें किसमें एन की वैल्यू 0 है, ये वाला देखो, ये हमारा एन की वैल्यू जहाँ पे 0 है, तो ये देखो 0 है एंड एल की वैल्यू भी क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये क्या हो, कहाँ पे एन की वैल्यू, ये देखो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो इसमें कौन, ये हमें क्या बता रहा है, अगर 0 होगा तो सब चल भी क्या होगा, 0 होगा, मतलब 0 है तो ये क्वेश्चन, ये क्या है, यहाँ पे प्रूफ नहीं है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। सपोज अब इसी क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, एन इक्वल क्या बोलते हैं, 1 देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एन इक्वल 1, तो एल इक्वल क्या है, 0 है, ठीक है, तो एम इक्वल 0 है, तो ये कौन सा और सब चल होगा, ये देखो ये हमारा होगा एस, एस होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एस, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कि ये क्वेश्चन हमारा, कि इफ गिवस लिख लेते हैं, एफ गिव ऑल द पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू वैल्यू ऑफ एल एम एंड एस फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर क्या है, इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन व्हेन, जब एन की वैल्यू क्या हो, 3 हो, तो हमें के एल एम एस की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है, तो ये देख लेते हैं। अब देखते हैं एन की वैल्यू किसमें 3 है, एन की वैल्यू किसमें 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा एन इक्वल 3, तो ये हमारा हो गया डी, डी है, ठीक है। अगर एन की वैल्यू 3 है तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अगर एन की वैल्यू 3 है, 3 दिया है तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और वहीं पे एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू वहीं पे हो जाएगी -2, ये देखो -2 और -1, 0 +2, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो देखो और वहीं पे क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू हो जाएगी ये हमारा, एस की वैल्यू ये प्लस एंड माइनस 1/1/2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये देखो एस की, एन की वैल्यू 3 दिया है, गिवन है, तो यहाँ पे हम एल की वैल्यू देखेंगे, तो ये हमारे एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये ऐसे लिख ले, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी,
एल की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ये हमारी एल की वैल्यू का ये, तो टू, एल की वैल्यू टू, यहाँ पे टू, और वहीं पे एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू हो जाएगी हमारा, देख लेते हैं, ये देखो एम की वैल्यू क्या दिया है, माइनस टू माइनस वन, ये माइनस टू माइनस वन जीरो, प्लस वन एंड प्लस ये टू, ये हमारी एम की वैल्यू होगी। वहीं एस की वैल्यू हो जाएगी वन प्लस वन बाई टू एंड माइनस वन बाई टू, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारे ये क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहीं पे हम देख लेते हैं, और ये n अगर 3 है तो ये कौन सी वैल्यू को बता रहा है, n अगर 3 है तो ये d बता रहा है, d बता रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में, कि उसमें अगर सोडियम क्या है, यहीं पे सोडियम क्वेश्चन है, अगर सोडियम का इक्वल सोडियम का निकालते हैं कि सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या है, कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में भी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अपन यहाँ पे इसका भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लाए 1s2 2s2, ठीक है, और ये 2p6 एंड 3s1। मैं आप लोगों को अबबाहू के थ्रू बताई हूँ कि अपने इंक्रीजिंग एनर्जी के बेस पे कैसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, तो उसी के बेस से ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ये क्या है, 2 2 10 2 और 4 हो गया 6 10 एंड 1s1, ये क्या हो गया, यहाँ पे लिख देती हूँ 1s1, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा होगा 11, ठीक है, 11, ये देखो, अब देखो ये हो गया हमारा सोडियम का एटॉमिक नंबर। अब देखो ये इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये n, n क्या है यहाँ पे 3, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, तो n इक्वल हम 3 लिख सकते हैं। अब यहीं पे देखते हैं कि s, ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में सोडियम एटम का ना, इसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या निकालना है, इनके ऑल द 4 क्वांटम नंबर, इसके चारों क्वांटम नंबर को हमें निकालना है, चारों क्वांटम नंबर बोले तो इसका कैपिटल एन तो हमें पता चल गया, ठीक है, ये प्रिंसिप सॉरी स्मॉल लेंथ, ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, फिर ये होता है ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और एम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एस, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एन और एल एम एन एस, क्या है, चारों की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू तो हमें पता चल गया, एन इक्वल क्या है 3 है, यहाँ पे दे दिया है कि आउटर मोस्ट में कितने, ठीक है। अब देखते हैं कि एस, एस में एल की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ अपन देख लेते हैं, ये देखो वो हमारा क्या था, n की वैल्यू 3 है, तो s में लास्ट में क्या था हमारा, 3s1 था, ठीक है, ये हमारी n की वैल्यू हो गई, और s में l की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है, और m की वैल्यू कितनी है, 0 है, और ये हमारा क्या है, ये देखो यहाँ पे हम भर लेते हैं, तो देखो l की वैल्यू कितनी दिया है, L की वैल्यू 0 दिया है, हम देख लिए टेबल से, ठीक है, M की वैल्यू कितने दिया है, 0, और यहीं पे S की वैल्यू, अब देखो S की वैल्यू समझना, ये हमारे लास्ट में क्या है, 3s1 1 है, और हमें पता है S ऑर्बिटल में एक, S में एक ऑर्बिटल होते हैं जिसमें क्या होते हैं, मैग्मा टू इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैसे, ये हमारा क्लॉक वाइज होगा, तो क्लॉक वाइज से, तो इसमें क्या हो जाएगा, S की वैल्यू प्लस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, प्लस 1/2, ये हमारे क्या हो गया, सोडियम का हो गया, ठीक है। इसी तरह हम आप लोगों का एक होमवर्क है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि यहीं पे क्रोमियम के, ठीक है, ये हमारा क्रोमियम का ये ऑल ऑल फोर नंबर्स
फोर क्वांटम नंबर्स को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, क्वांटम नंबर्स क्या होगा ये, ठीक है, क्रोमियम का। ठीक है, ये हमारा। अब देखो एक और क्वेश्चन लिख, यहाँ पे हम ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन का भी हमें क्या है, ऑल क्वांटम नंबर निकालना है। तो आई होप ये आप टेबल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गए होंगे, इसके बेस्ड के जो क्वेश्चन है वो। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्रोमियन और ऑक्सीजन का बताइएगा। ठीक है, ऑल क्वांटम, ऑल फॉर क्वांटम नंबर। ठीक है, ये ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉली क्या एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की क्या कहता है। अब पॉली क्या है, मैं आप लोगों को प्रीवियस में बताई हूँ। अब बहु की एक ऐसा है क्या है कि जिसमें क्या होता है लास्ट में, ठीक है, उसके लास्ट में क्या, एक ऐसा है जो जिस कोई भी साइंटिस्ट ने जिसका क्या है नाम नहीं रखा है। ठीक है, वो एक जर्मन वर्ड है, बताई थी। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पॉली एक्सक्लूजन क्या है प्रिंसिपल। अब पॉली के अकॉर्डिंग क्या है ये देखते हैं। तो ये पॉली के अकॉर्डिंग ये होता है कि ये जो क्वांटम नंबर है, कि पॉली ये कहते हैं इनका प्रिंसिपल कि मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब कैसे अपोजिट होते हैं मैं आपको बताती हूँ, अभी प्रीवियस वीडियो में आपको बताई हूँ कि क्या कैसे क्या करते हैं। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये जो पॉली के प्रिंसिपल इनके अकॉर्डिंग कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब मैं बता देती हूँ कि एस एस ऑर्बिटल बताई थी मैं, ठीक है, तो एस ऑर्बिटल में क्या था, मैं ये बताई कि एस के आउटर मैं बताई हूँ कि एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होते हैं, बताई हूँ यहाँ मैं बताई हूँ एक ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जैसे एस में कितने ऑर्बिटल हैं, एस में एक ऑर्बिटल में जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, बताई हूँ मैं 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। वैसे ही इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ये देखो तो एस में कितने ऑर्बिटल आएंगे, 2 ऑर्बिटल आएंगे। तो यही कौन कहता है, ये हमारे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये कौन कहता है, ये पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है। ठीक है, ये आ गया समझ में। इस अब देखो इसके डिटेल्स में अपन जाते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। तो ये देखो अब हम देखो क्या है? मैं ये बताऊंगी कि अबहू में क्या होता है, वो ये कहते हैं कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो वो हमेशा क्या होगा, उसको फिल करने के लिए हमेशा इंक्रीजिंग यानी इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी के बेस पे उसको क्या करेंगे, हम लोग फिल करते हैं। ये कौन किसने कहा था, ये कहा था हमारे अबाहु ने। उसी टाइप से यहाँ पे देखो पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में क्या करते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब वो हम एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। कौन कहता है ये पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, अब देखो अब ये हमेशा ये भी याद रखना कि देखो इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन हम क्या करेगा, अपने एक सपोज यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये हमारा पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल में पी है, तो पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये 3। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने तीनों ऑर्बिटल को क्या करेगा, फिल करेगा। उसके बाद क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में फिल करेगा। ये कौन कहता है, ये पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई भी एक ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल में क्या है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे, अपोजिट रहेंगे। ठीक है, तो
ये देखो यहाँ पे वैसे डी में भी होता है। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं बताई हूँ मैं, 5 1 2, ये 3, ये 4 5, 5 ऑर्बिटल होते हैं। वो क्या करते हैं एक दूसरे को यहाँ पे, यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा, सबसे पहले ये अपने जितने भी ऑर्बिटल है उसमें फील्ड होगा, ठीक है उसमें, फिर उसके बाद ये क्या करेगा डी में फिर फील्ड होगा, ठीक है। फिर इसके साइड अपोजिट साइड एंटी क्लॉकवाइज ये क्या कर देंगे, फील्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो क्या करें, हाँ कि पहले ये वाले ऑर्बिटल में पहले ये क्या कर लेते हैं, ये फील्ड होते हैं, फिर उसमें नेक्स्ट में उसमें जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है हमेशा याद रखना, ठीक है। इसमें क्या करते हैं ये, अब क्यों करते हैं, क्यों फील्ड होता है अपने ऑर्बिटल में, जितने ऑर्बिटल में एक एक क्यों फील्ड होता है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि या मैं आप लोगों को बताई हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा क्या करता है, लोएस्ट एनर्जी में क्या करता है, लोएस्ट एनर्जी में क्या करना है ये जाना चाहता है, कौन कौन इलेक्ट्रॉन। इसीलिए देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ फील्ड होगा, यहाँ फील्ड होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, फिर ये क्या है ऑर्बिटल ये खाली रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है ज्यादा ज्यादा ये अपने लोएस्ट एनर्जी में क्या करता है, फील्ड होना चाहता है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा ये हम, तो इसीलिए ये क्या करता है पहले अपने ऑर्बिटल को फिल करता है, उसके बाद ही अपने अपोजिट साइड में या एंटी क्लॉकवाइज इसमें इलेक्ट्रॉन फुल क्या करते हैं इसमें भरे जाते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, पॉली का एक्सपेरिमेंट क्या किसको बोलते हैं, ये जर्मन फिजिशियन थे हमारे, 1925 में इन्होंने पॉली ने क्या किया था, अपने प्रिंसिपल को दिया था, ठीक है। और किसने दिया था, 1925, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 1925 में पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को क्या किया था, दिया गया था, ठीक है। ये कौन कहता है, ये पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, हम देखते हैं बोहर्स लॉ क्या कहता है, ठीक है। ये देखो ये बोहर्स एटॉमिक रेडियस, तो यहाँ पे मैं अपन बता देती हूँ, ठीक है वो अपन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये कि बोहर्स लॉ कहता है, अब देखो ये बोहर्स लॉ को ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने बेस पे, यहाँ देखो ये अपन यहाँ पे बोहर्स लॉ पढ़ लेते हैं ये, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग देखो इनके ये क्या कहते हैं, इन्होंने अपने मॉडल में जो हमारे बोहर जी थे, इन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु, सॉरी रदरफोर्ड के जो एटम मॉडल के बाद उनकी जो भी कमियां थी उनको दूर करने के बाद हमारे एक नील साइंटिस्ट यहाँ पे क्या करते हैं, एक नील नील बोहर ने क्या किया था, नील बोहर ने 1913 में मैक्स प्लैंक के क्वांटम प्रिंसिपल को यूज करके, ठीक है मैं आप लोगों को क्वांटम नंबर बताई हूँ, प्लैंक क्वांटम थ्योरी बताई हूँ, ठीक है उन्हीं के बेस पे, ठीक है। बोहर एटॉमिक रेडियस ये कहता है कि हमारे जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अपना क्या दिया था, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की कमियों को क्या करने दूर करने के बाद स्पेन के ये जो नील्स नील्स बोर थे, ये नील्स बोर थे इन्होंने क्या किया था, ये यहाँ पे नील्स बोर थे, उन्होंने उन्होंने मैक्स प्लैंक के क्वांटम प्रिंसिपल को यूज करके अपना प्रिंसिपल दिया था, ठीक है अपना प्रिंसिपल दिया था, अपना पोस्टुलेट दिया था, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी एटम में, ठीक है कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते हैं। इनका हमारे नेल्स ने यहाँ पे ले देती हूँ, नील्स बोर ने किसके बेस पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1913 में
प्लैंक, जो मैक्स प्लैंक के जो क्वांटम प्रिंसिपल के बेस पे उन्हीं को यूज करके अपना पोस्टुलेट दिया था। किसने? बोहर ने। ठीक है, उन्हीं इसी के बेस पे इनके अकॉर्डिंग ये था कि किसी भी एटम में, ठीक है, यहाँ पे किसी भी, इसका फर्स्ट है, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। किसके घूमते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं? घूमते हैं। ये किसने दिया था? ये हमारे बोहर ने दिया था। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं ऑर्बिटल में घूमते हैं जहां उनका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, 2 पाई ये एच और एच बाई टू टू पाई हो, इसका कोई भी ये क्या हो, एक ऑर्बिटल, यहाँ इसके एंगुलर मोमेंटम के यहाँ पे क्या करते हैं, इसी के बेस पे अपना बोहर एटॉमिक मॉडल किसने दिया था? ये हमारे बोहर ने दिया था। ठीक है, इसको आज हम यहीं पे रखते हैं। इसके आगे का हम अपन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लिए। ठीक है, इसके आगे डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।